नमस्कार, लाइफलाइन एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे मारक ग्रह कौन होते हैं, कुंडली में मारक ग्रह कौन होते हैं। मारक भाव के बारे में इससे पहले जानकारी दी थी लाइफलाइन एस्ट्रो चैनल में, मारक भाव के नाम से वीडियो उपलब्ध है, आप उसको सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। बात करेंगे आज मारक ग्रह कुंडली में कैसे जाने कौन से होते हैं। तो हर व्यक्ति की कुंडली में तीन प्रकार के ग्रह होते हैं, शुभ, अशुभ और सामान्य। अशुभ ग्रहों में दो प्रकार के ग्रह होते हैं, एक जो नुकसान करते हैं, एक जो मारक होते हैं। मारक ग्रह कुंडली में समस्या और संघर्ष पैदा करते हैं। इन ग्रहों की दशा में व्यक्ति बहुत परेशान होता है। ये मारक ग्रह जो होते हैं, इनकी दशाएँ जब आती हैं, महादशा जब आती है, तो मृत्यु तुल्य कष्ट मिलता है या मृत्यु होती है। ये ग्रह की दशा आने पे केवल ये नहीं मान लेना चाहिए कि इसकी महादशा में मृत्यु ही हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। इसमें मृत्यु तुल्य कष्ट होता है और कुछ महादशाओं में कभी कभी ऐसा भी होता है, अगर वो मारक ज़्यादा हो जाता है तो उसमें मृत्यु भी होती है। तो आइए जानते हैं कि कुंडली में मारक ग्रह कौन से होते हैं। ये कुंडली में अलग अलग लग्न कुंडली में अलग अलग मारक ग्रह होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मेष लग्न की। मेष लग्न में कौन से मारक ग्रह होते हैं। मेष लग्न में शुक्र और बुध मारक ग्रह होते हैं। वृष लग्न में बृहस्पति और चंद्र मारक ग्रह होते हैं। मिथुन लग्न जो होती है उसमें मंगल और चंद्र जो मारक ग्रह होते हैं। इसी प्रकार से कर्क लग्न में शुक्र और शनि मारक ग्रह होते हैं। सिंह लग्न में शनि और बुध मारक ग्रह होते हैं। कन्या लग्न में मंगल और चंद्र ग्रह जो होते हैं ये मारक होते हैं। तुला लग्न में बृहस्पति और मंगल ग्रह मारक होते हैं। वृश्चिक लग्न में बुध और शुक्र ग्रह मारक होते हैं। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे धनु लग्न में। धनु लग्न में शुक्र और शनि मारक ग्रह होते हैं। मकर लग्न में चंद्र और सूर्य मारक ग्रह होते हैं। इसी प्रकार से कुंभ लग्न जो होती है इसमें सूर्य और बृहस्पति मारक होते हैं। सूर्य और बृहस्पति ग्रह जो होंगे इसमें मारक होंगे। और ये मीन लग्न जो होती है इसमें शुक्र और शनि मारक होते हैं। तो मित्रों, ये लग्न होती हैं, इसमें ये ग्रह जो बताए हैं ये मारक होते हैं। ये अपनी अंतर दशाओं में अच्छा परिणाम नहीं देते हैं, इसमें कष्ट मिलता है। अलग अलग लग्न के हिसाब से ग्रह होते हैं, लेकिन इसका पूर्णतया मतलब ये नहीं निकालना चाहिए कि इन ग्रहों की जो महादशा आएगी तो उसमें हमें केवल नुकसान ही होगा, ऐसा नहीं है। कुंडली का पूर्ण फलित करना चाहिए, पूरी तरीके से उसका प्रेडिक्शन करना चाहिए, तब इसका अंदाज़ा लगाना चाहिए। इसके कई सूत्र होते हैं कुंडली का फलित करने के, तो इसलिए एक चीज़ जान लेने से आप पूरा अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो मित्रों, आपने जाना मारक ग्रह कुंडली में कौन से होते हैं, कौन सी लग्न में कौन से ग्रह मारक होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।